हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे, सब अच्छा करेंगे। तो दोस्तों, बहुत दिन हो गए थे कोई वीडियो नहीं आया था। आजकल गांव में हूँ, लेकिन गांव में भी कुछ ज़्यादा मौका नहीं मिला वीडियो बनाने का, तो बनाया नहीं। फिलहाल आज जा रहा हूँ मैं नीलकंठ महादेव के मंदिर में, और वहाँ पे कुछ कार्यक्रम होने वाला है। कुछ गढ़वाली गीत होंगे, कुछ गढ़वाली भक्ति गीत होंगे, तो वो सब का कार्यक्रम होने वाला है वहाँ पे। फिलहाल हम लोग अपने गांव से निकले हैं। मेरे साथ है मेरे जीजा जी, और साथ में है हमारा यूट्यूबर अमित टोबरियल। तो हम लोग, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शायद मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कवर कर सकूँ इसमें, क्या किस तरह से का आयोजन वहाँ पे हो रहा है, या क्या किस तरह का आयोजन वहाँ पे होगा, तो उस चीज़ का मैं थोड़ा थोड़ा डिटेल इस वीडियो में डालूँगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो, और जुड़े रहिए अंत तक वीडियो पे। तो अभी हमने अपना गांव का एरिया जो है हमने सरद क्रॉस कर लिए, अब आ गए हम कंडाखड़ी के एरिया में, और अभी चढ़ाई चढ़ रहे हम। तो ये रहा माँ भुवनेश्वरी का मंदिर, काफ़ी अच्छा मंदिर है, काफ़ी भव्य मंदिर है, और यहाँ पे काफ़ी सारे इंस्टॉल वगैरह, जहाँ पे कि माथे का प्रसाद वगैरह, साथ में चाय नाश्ता वगैरह जो भी आपको लोगों को करना हो, तो ब्रेकफास्ट वगैरह की भी सुविधाएँ यहाँ पे हैं। दूर से आते हैं तो खाने वाने की सुविधाएँ भी यहाँ पे हैं, अच्छी खासी दुकान वगैरह हैं। तो माँ भुवनेश्वरी भगवान नीलकंठ के चरणों में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन, और मैं माँ भगवती भुवनेश्वरी से प्रार्थना करता हूँ कि ये मेला ऐसे हर वर्ष बड़े से विशाल स्तर पर चलता रहे। माँ भगवती के भजन और गुणगान का मुझे इस साल अवसर मिला, और बारंबार माँ भगवती की कृपा से ये अवसर बारंबार प्रदान होता रहे, मैं सौभाग्यशाली समझूंगा। धन्यवाद आप सभी। काफ़ी अच्छा मंदिर है, काफ़ी भव्य मंदिर है, और फिलहाल जहाँ पे मैं हूँ तो यहाँ पे चारों दिशा का अपना व्यू मिल नहीं रहा, लेकिन अभी आगे चलते हैं जहाँ पे कि जो आगे पंडाल होने वाला है, जहाँ पे कि कार्यक्रम होने वाला है, तो उधर मैं कोशिश कर रहा हूँ उधर जाने की। देखते हैं कि कहाँ पे कार्यक्रम वगैरह। शुभारंभ बड़े भाई जी श्री पी एन शर्मा जी का द्वारा
श्री पीएन शर्मा जी का द्वारा बोले मां भुवनेश्वरी की, भगवान नीलकंठ महादेव की, मां भुवनेश्वरी के पावन ज्योत दीप प्रज्वलित करी। नीरज मयाल जी जो कि ग्राम उठार भवन का सम्मानित प्रधान जी छन, आदरणीय प्रधान जी और भूला हरदीप कैंतुरा जी जो कि क्षेत्र पंचायत छन, ज्ञानदीप मिश्र जी जो कि धमन का माननीय प्रधान छन, आप सभी को प्यार ये कार्यक्रम का वास्ता, आप लोगों को सहयोग और बड़े भाई श्री पी एन शर्मा जी जो को प्यार और सहयोग उत्तराखंड की लोक संस्कृति पर हर वर्ष हर कलाकार हर संस्था तक हमेशा मिलते। भाई जितेंद्र नेगी जी हमारे बीच में ग्राम डॉबर द्वारिखाल जुड़ापुटी और जुट ग्राम सभा द्वारिखाल से भाई प्रदीप बिष्ट जी युवा लोक नायक वो आमंत्रित कर उनको भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। एक सुंदर भजन का वास्ता उत्तराखंड का बहुचर्चित लोक नायक बुला गौतम सुंदरी ये कार्यक्रम को शुभारंभ अपना सुंदर भजन से शुभारंभ कर कार्यक्रम था वो समाप्त हो चुका है, अब हम जा रहे हैं घर। लेकिन गांव जाने से पहले हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे दुकान पे हम चाय पी रहे हैं श्री गुरु गोरखनाथ जी दुकान। काफ़ी लोगों को पता होगा कि ये दुकान किन की है जो क्षेत्र में रहते हैं, तो फिर मैं मिला देता हूँ आप लोगों को। तो मेरे जीजा जी और सूरज भाई यूट्यूब चैनल अच्छी होता और चाय पीना आया था मैं दीदी दुकान पर और दीदी जी तो आप लोग जान दी सब लोग जान ले मेरे ख्याल से बहुत लोग जान रहे लेकिन जो नहीं जानते थे नमस्ते नमस्ते सब लोगों को नमस्ते। तो दीदी जी थे ना हमारे योगी जी सिस्टर थे ना, आप छोटे सा की बड़ी थे हाँ, तो दीदी थे ना योगी जी का हमारे दीदी थे ना, तो अब योगी जी तो बताने पड़ा कि आप लोग बता कि योगी जी कुछ हाँ, तो योगी जी आपको मिला देता हूँ मैं योगी जी से भी। ये है हमारे योगी जी, तो योगी जी की सिस्टर हैं, उनकी दीदी हैं,
तो इनकी दुकान पे आए हम चाय पीने, और बहुत ही अच्छा यहाँ पे हमारा जो आज दिन था बहुत अच्छा रहा। माँ भुवनेश्वरी जी के हमने दर्शन किए और नीलकंठ महादेव जी के दर्शन नहीं हो पाए थे, लेकिन कोशिश करेंगे कि जल्द दोबारा आए। और तो मिलते हैं जल्द एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिंद।